2019 का लोकसभा चुनाव 2014 के चुनाव से काफी अलग है। वहीं दूसरी तरफ इस बार एसपी और बीएसपी एक साथ है। इसी तरह कई ऐसे नेता भी है जो कभी विरोधी दलों पर बयान के तीर चलाते थे, लेकिन 2019 में वह उन्हीं दलों के लिए वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। बता दें, यूपी की सियासत में ऐसे कई बड़े नेता हैं जो 2014 में किसी और दल में थे और 2019 में किसी और दल से सियासी तीर चला रहे हैं। इसी के साथ मोदी सरकार के लोकसभा चुनाव का नया फॉर्मूला पूरी तरीके से नाकाम साबित होता दिख रहा है। जी हाँ, बता दें, बीजेपी से हरदोई के सांसद अंशुल वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में तैनात चौकीदार को इस्तीफा सौंपा है। आप खुद देख सकते हैं वीडियो में, सांसद अंशुल वर्मा बीजेपी से कितने नाराज है, नाराजगी उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। आप खुद देख सकते हैं वीडियो। सांसद अंशुल वर्मा बीजेपी से कितने नाराज है, नाराजगी उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। वहीं अब जब इतने चौकीदार हो गए हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन है असली चौकीदार। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की लिस्ट में चल रहा जोर तोड़ बीजेपी सांसदों को रास नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में हरदोई से बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अंशुल टिकट कटने के बाद से ही बगावती तेवर में नजर आ रहे थे। सांसद ने बीजेपी के कैंपेन में मैं भी चौकीदार पर तंज कसते हुए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में तैनात चौकीदार को अपना इस्तीफा दे दिया। बता दें कि हरदोई से अंशुल वर्मा का टिकट काटकर जय प्रकाश रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। इस्तीफा देने की वजह बताते हुए अंशुल ने कहा है कि अगर विकास ही मानक था तो 24,000 करोड़ रुपया लगाने की और विकास को आखिरी पायदान से चौथे पायदान पर लाने की सजा मिली है। पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए बोले कि सदन में मेरी उपस्थित 95% रही, इसमें मेरा दोष कहां था, ये समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।